लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे। मेरी ऊंची शान है मौलाने वाला, जो को दिया है मुझको भी तो लिफ्ट करा दे। इंडिया के बारे में, हमारे देश में ऐसी कौन सी बात है जिसने आपको इंडिया से अट्रैक्ट किया? प्यार, एक सिंपल सी चीज है जिसका नाम है प्यार, लेकिन वो सबसे कीमती चीज़ है और सबसे ज़रूरी चीज़ है, और वही चीज़ चाहिए इंसान को जीने के लिए। ये बाकी सब चीज़ें जो होती हैं ज़िंदगी में, ये हम अपने ऊपर वैसे ही ठोसते रहते हैं, थोप देते हैं, लेकिन असली चीज़ जो होती है वो प्यार है। भारतीय लोगों ने आपको उतना ही प्यार दिया जितना कि आप हमें दे रहे हैं? मैं कभी उस तरह का प्यार वापस लौटाया ही नहीं सकता जितना मुझे मिला है, क्योंकि अगर वो प्यार ना मिला होता, इतने अरसे नहीं रहता। अच्छा, जिस तो तरीके से लोगों ने मुझे अपना लिया, वो एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को गिरफ्तार कर देती है। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि आप खुद एक बार जिंदगी में डेथ के बहुत क्लोज आ गए थे, बहुत ही, मतलब क्या हुआ था उसके बारे में मुझे कुछ बताइए। मेरा वजन बहुत ज़्यादा था, मेरा वजन 230 किलो तक पहुँच चुका था। जब 230 किलो पहुंचा था तो मैं 2005 में लंदन गया था कॉन्सर्ट टूर के लिए, और इतफाकन मेरे फादर भी मेरे साथ में थे। वो जाते थे अपने चेकअप्स के लिए, क्योंकि वो, जैसे मैंने आपको कहा था कि वो कैंसर और पैंक्रियास के मरीज थे, तो वहाँ चेकअप कराते थे। तो मैंने उनको कहा कि अपना चेकअप उस वक्त कराइए जब मैं भी वहाँ पे हूँ। जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो उन्होंने, जब उसके रिजल्ट्स आए तो डॉक्टर ने, मेरे वाले साहब साथ में बैठे हुए थे, तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि मिस्टर सैमी, द काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल यू हैव, जिस तरह की ज़िंदगी आप गुजार रहे हैं और जो आपके अभी जो रिजल्ट्स आए, हम आपको 6 महीने से ज़्यादा नहीं दे सकते इस दुनिया में, क्योंकि यू आर गोइंग गो। एंड अब हमारा अक्सर ये होता है कि मुझे जो मर्जी कह लो, लेकिन मेरी फैमिली के सामने उनको पैनिक मत करो। आई नीडेड अ वॉकिंग स्टिक टू वॉक, मतलब आप बिना लकड़ी के नहीं चल सकता था उस वक्त। अगर मैं बैठ गया किसी जगह पे तो उठना मुश्किल नहीं, दो लोग उठाते थे मुझे। अगर मुझे यहाँ से आपके यहाँ तक चलना पड़ता तो मुझे दो लोग पहले उठाते, मुझे बड़ा कैलकुलेट करके आगे चलना पड़ता। ये चीज लोगों ने नहीं देखी मेरी। खाने का शौक उस वक्त भी था, आज भी है, फर्क सिर्फ इतना है कि पहले एक पूरी देख खा लेता था, अब वही चीज, वही खाना, वही मैं खाऊंगा, लेकिन शायद दो निवाले खाऊंगा, यू नो। लेकिन अब क्या है कि वजन इतना मैंने कम कर लिया, लेकिन कम वक्त टेस्ट तो वही है ना, जबान तो वही है। फिर कैसे कंट्रोल कर लेते हो, मतलब दो चम्मच से कैसे दिल भर जाए? पहले आंखें नहीं भरती थी, लेकिन पेट जो है वो एक्चुअली, पेट की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब मेरे दिमाग में एक ऐसी चीज बैठ गई है कि भाई ठीक है, ये निहारी है या ये बिरयानी है, कल भी आ जाएगी। मतलब ऐसा नहीं कि आज खत्म हो जाएगी और दुनिया में ये नहीं मिलेगी। हिसाब से खा लो, कल भी खा लेंगे, बाद में खा लेंगे, यू नो। सो अब मेरा दिमाग जो है वो उस तरह से अब कंडीशन हो गया है। अच्छा, ये बताइए कि कहने में तो ये भी आता है कि आपने ऑपरेशन करवाया था, बैरियाट्रिक सर्जरी करवाई थी ताकि आप खा ही ना पाए, क्या इसमें कोई सच्चाई है? बैरियाट्रिक सर्जरी कराई ना मैंने, कोई लाइपोसेक्शन तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो I did this purely by changing my lifestyle. मैंने अपना lifestyle change किया, मैंने dieting की, मेहनत की, zip लगाई, मुंह को बंद किया, zip लगा दी। लोग मुझसे पूछते हैं आप क्या खाते हैं फिर? मैं कहता हूँ मैं सी फूड खाता हूँ। कहा सी फूड, अच्छा, हाँ सी फूड, सी फूड, that's it. हमने जो कुछ भी किया छपक फाड़ गई, कोई हद नहीं छोड़ी। आपकी थर्ड वाइफ की रोया, तो आपकी रोया से कैसे मुलाकात हुई और कैसे प्यार हुआ ये बताइए। टेलीकम्युनिकेशंस इंजीनियर, तो शी वाज वर्किंग विद अ कंपनी इन जर्मनी, तो वो शी वाज प्रोजेक्ट मैनेजर फॉर दिस रीजन। तो मुझे लगता है कि मैंने शायद अपनी जिंदगी में कुछ एक अच्छा काम किया होगा कि ऊपर वाले ने मुझे रोया बख्श दी। एंड यू नो शी इज स्टूड बाय मी लाइक अ रॉक, यू नो। जितनी भी मुश्किलें आई, जो भी मुश्किलें आई, जो भी सिचुएशन, इस तरह से खड़े होके लाइक अ रॉक, जैसे मैंने कहा ना कि वो इज लाइक अ पिलर। ये एब्सोल्युटली वंडरफुल, ये ऊपर वाले की देन। अच्छा, ये बताइए कि आपने मौला मेरी अर्जी मान ले, मौला तू है सब कुछ जानने वाला, मैं हूं तेरा मानने वाला, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे। कैसे कैसों को दिया है, ऐसे पैसों को दिया है, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे।